हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बरबट्टी की सब्जी यानी ग्रीन लॉन्ग बीन्स की सब्जी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। इसे कहीं लोबिया बोला जाता है तो कहीं चौरा फली के नाम से जाना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सोनी रेसिपी को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो गैस ऑन करके एक बड़ा बर्तन ले लेंगे। अब इसमें हम पानी गर्म होने के लिए रख देंगे। अब इसमें आधी छोटी चम्मच हम नमक डाल देंगे। बरबटी को हमें इस साइज में काट के रखा है, इसे इसमें डाल देंगे और 5 से 7 मिनट तक इसे हम उबाल लेंगे। तो 5 मिनट में देखिए अच्छे से उबल गया है। अब इसे पानी से बाहर निकाल लेंगे। कढ़ाई चढ़ा ली है और एक बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। तो तेल हमारा अब गर्म हो गया है। अब इसमें एक छोटी चम्मच हम मेथी के दाने डाल देंगे। मेथी को थोड़ी देर हम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, यानी मेथी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब 2 मीडियम साइज के आलू हमने छोटे टुकड़ों में काट के रखा है, इसे डाल देंगे। आलू को हल्का गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। आलू को धीमी आंच पर हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा लहसुन है, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च है और एक टमाटर है। तो सब्जी के क्वांटिटी के हिसाब से हमने ये सब ले लिया है। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। आलू हमारा हल्के से फ्राई हो चुका है, तो टमाटर, मिर्ची और लहसुन का जो मसाला हमने तैयार किया है उसे इसमें डाल देंगे। तो धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट तक इसको हम भून लेंगे। तो 5 मिनट के बाद मसाले हमारे भून चुके हैं। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देंगे। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल देंगे। फिर से 5 मिनट तक सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि मसालों से तेल ना बाहर आने लगे। तो मसाला देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है, तेल बाहर आने लगा है। अब इसमें उबले हुए जो बरबटी थी उसको हम डाल देंगे। अब आंच को बिल्कुल हम स्लो पे रख देंगे और धीमी आंच पर इसको हम 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। बीच में एक बार या दो बार इसको हम चला लेंगे ताकि हमारी सब्जी नीचे से चिपके नहीं। 5 मिनट के लिए हमने इसको ढक के रख दिया था और बीच में हमने इसको एक बार चलाया भी था। तो ढक्कन हमने हटा लिया है। अब आलू को चेक करते हैं। तो देखिए आलू अभी अच्छे से हुए नहीं है। थोड़ा इसमें पानी हम डाल लेंगे। तो आलू के पकने तक इसको हम ढक के रखेंगे। तो 7-8 मिनट के लिए इसको हमने ढक के रख दिया था, तो अब हमने ढक्कन हटा दिया है। आलू भी अच्छे से हो चुका है और इसका पानी भी अच्छे से सूख गया है और सब्जी हमारी एकदम तैयार हो गई है। तो कम तेल में भी आप बहुत ही अच्छी सब्जी बना सकते हैं। आलू बरबट्टी की सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। तो एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।